इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तो इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज मैं मौजूद हूँ कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल KWPC जो नौजवानों की तंजीम है, ये इस मौके पर कोरोना वायरस की जो वबा फैली है इसके खिलाफ ये इन्होंने एक जंग छेड़ रखी है, लोगों में बेदारी ला रहे हैं और गरीबों में और मुस्तहकीन में ये अनाज की तकसीम कर रहे हैं। ये इनका गोडाउन है, इन्होंने गोडाउन बना रखा है, देख सकते हैं आपके यहाँ पर पूरे राशन के किट्स हैं। ये आज़र बेलेरी साहब कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल के सदर हैं। तो इतना जो आपने सामान जो जमा किया है, कितने लोगों तक जो है ये मदद पहुँचाने की आपने ठानी है? अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम लोगों ने एक कम से कम 1,000-1,500 लोगों के ऊपर तक इसकी इस मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत ज़रूरतमंद है, कंटिन्यूस कॉल आ रहे हैं हम लोगों को और इंशाल्लाह हमारा 1,000 से 1,500 का टारगेट है। अच्छा, ये जो तमाम जो चीज़ें आपने इकट्ठा की हैं, कहाँ से आपको ताउन मिला है? बहुत लोगों ने ताउन किया, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और कोई भी अगर ताउन करना चाहें तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल, हमारा नंबर है 7760931439। आप कॉन्टैक्ट करें। अगर आप ऐसे वक्त में अगर इन लोगों की गरीब तबके की अगर मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, यही मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा। बहुत अच्छा लगता है कि नौजवान हमारे आगे आकर इस तरह काम कर रहे हैं। तो दीगर मोहल्लों के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वक्त मिले तो आप भी उनका साथ दें, या आप कर सकते हैं तो करें, या ऐसे लोगों का साथ दें जो इस ऐसी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है दिखाने का कि आप एक इंसानियत की मदद कर सकें, ना कि आप कहीं भी बैठकर फेसबुक में या ट्विटर पे या अपने कहीं भी सोशल मीडिया पे सिर्फ करने वालों को आप डीमोटिवेट करें, उनको मोटिवेट कीजिए। और मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ कि कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह जो निकाल रहे हैं इसमें जो खुददारी है, वो जो जिसकी मदद कर रहे हैं उनकी खुददारी है, उनकी खुददारी पर सवाल उठ रहा है। तो कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी फ़ोटोज़ नहीं निकाला जाएगा किसी को देते हुए, तो इसमें एक एहतियात कीजिए, यही एक मैसेज देना चाहूँगा मैं आपको। बताइए क्या क्या है एक किट में? 5 किलो राइस है और 1 किलो रवा के पैकेट है, ये चिली पाउडर है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो आलू है, 1/2 किलो दाल है, 1/2 किलो तेल है और 1/2 किलो शक्कर है, एक और एक टर्मरिक पाउडर है जी, 200 ग्राम। एक किट में इतने तमाम चीज़ें, जो और साथ में मास्क भी दे रहे हैं ये लोग, ये अच्छा खासा राशन इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो तमाम चीज़ें इन्होंने जो इकट्ठा कर ली हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। टोटल 70 पैकेट जमा हुए हैं और भी बांध रहे हैं, वो भी आना बाकी है। 300 का टारगेट है अभी। अच्छा, 300 के बाद और भी आते हैं, और भी कॉल आने वाले हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं, अभी दे रहे हैं, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। अब तक कितने तकसीम कर चुके हैं? अभी कल तो अभी 50 हो गए। अच्छा। और अभी जा रहे हैं, अभी 60 जा रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद भी लगातार जारी है। कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल इस तरह के काम पहली मरतबा कर रही है या इससे पहले कर चुकी है? इससे पहले जो भी चेन्नई रिलीफ फंड हुआ था, चेन्नई रिलीफ फंड के लिए कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल ने फंड उठा कर दिया था, और इससे पहले जो उत्तर कर्नाटक में जो बारिश की वजह से काफ़ी घर गिर टूट गए थे, उनको भी कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल से मदद हो गई थी। जैसे भी वो बाढ़ आके ये हो गया था, लगभग तकरीबन हुबली शहर के 5-6 इलाकों में कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल हेल्थ कैंप ऑलरेडी चला चुकी है, हेल्थ कैंप का सिलसिला जारी है। ये थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ कैंप थोड़ा रुका हुआ है, फिर आगे जैसे ये सब खत्म होगा इंशाल्लाह कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल फिर अपने हेल्थ प्रोग्राम करते रहेगी। और ये सब जो भी कर रहे हैं हम, ये सब भी जितने भी है, ये और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभी लोगों को यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी लोग डोनेट किए हैं उनका तय दिल से कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल की टीम की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल की टीम को कनेक्ट करें, कनेक्ट करके जो भी डोनेट करना चाहते हैं डोनेट करें। मेरे साथ हैं कर्नाटक का वेलफेयर पीस काउंसिल KWPC के नायब सदर रफ़ीक अहमद डोमनी। तो डोमनी साहब बताइए कि आपके रजाकर कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं हुबली के अलावा? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कर्नाटक वेलफेयर पीस काउंसिल हुबली के अलावा हमारे कुंदगोड़ में काम चला है और हमारा गब्बर में काम चला है। लोकल लेवल पर लेंगे तो हम ओल्ड हुबली में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और चंद ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, मैक्सिमम हमारा जो भी है वहाँ देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे मेंबर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ट्रेजरर साहब मीर मुजीब अली,
और उल्फत मुल्ला और आसिफ और हमारे मुस्तफ़ा साहब और हमारे मुख्तियार भाई और हमारे साहिल भाई, सब जनों का ताउन है। जितने भी लोग घर बैठे भी हमारे जो मेंबर काम कर रहे हैं, जैसे कि घर बैठे हमें इत्तला दी जा रही है कि हमारे मोहल्ले में इतने लोग ज़रूरतमंद है, तो उन मुस्तहकीन की इत्तला कैसे मिलती है आपको? जैसे कि हमारे मेंबर बहुत से हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं बुला रहे हैं, उन्होंने घर बैठे ही हम उनको काम ले रहे हैं। जैसे कि जितने भी मोहल्ले में है, हुबली के मैक्सिमम मोहल्ले में, उनसे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे मोहल्ले में ज़रूरतमंद लोग हैं उनका हम डाटा ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास लिस्ट भी आ चुकी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, नंबर्स के साथ, घर के नंबर के साथ हमें लिस्ट आई है। हम डायरेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं मौजूद अभी? हमारे पास अभी तक लिस्ट आई है अल्हम्दुलिल्लाह एक अराउंड 300 की लिस्ट आ चुकी है। तो आपके पास कितने किट्स हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने 50 किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हमारे पास अभी 350 किट, जैसे आप देख सकते हैं, रेडी हो रही है कि रजाकार तैयार करके भेज रहे हैं आपको कि जरूरत में जहां भी। तो ये पूरे हुबली में चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुबली में चल रहा है। जैसे कि हमारे कर्नाटक वेलफेयर पीस काउंसिल के स्टूडेंट विंग्स है, जैसे कि ले लो बेरबंदोनी में हमारे कर्नाटक वेलफेयर पीस काउंसिल के स्टूडेंट विंग्स ने हर घर जाके जितने भी बेवाएँ हैं, एक 20 नंबर हमें मिला है, जो सिर्फ बेवा है उनके घर के नंबर के साथ उनका नाम है, हम लोग उन्हें दे रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारा घर तक पहुँच रहा है। ये नहीं कि हम किसी के हाथ में दे रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप पहुंचाओ, नहीं, हमारे पास फर्स्ट डाटा आ रहा है, जितने ज़रूरतमंद है, घर का नंबर आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या है हुबली के आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप घर बैठे भी किसी का मदद कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हमें कहिए, इंशाल्लाह हम जो हमारे से बन सके हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक अहमद डुमनी साहब। देख सकते हैं कि नौजवानों की तंजीम है और बहुत अच्छे तरीके से शहर हुबली में काम कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दें। ऐसे वक्त में ऐसे नौजवानों की बहुत ज़रूरत है ताकि वो गरीब और मुस्तहकीन तक खाने का इंतज़ाम कर सकें। इत्तेहाद न्यूज़ से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।